अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को आपने कई बार भावुक होते देखा होगा। उनका ये रूप एक बार फिर देखने को मिला जब उन्होंने अपनी बड़ी बेटी मालिया ओबामा को उसके कॉलेज छोड़ने को लेकर अपना अनुभव साझा किया। विल्मिंगटन डेलामेयर के क्लब के एक छोटे से भाषण में भावुक होते हुए ओबामा ने रुंधे गले से कहा, मैं यहाँ सिर्फ अपने परिवार को समर्थन देने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं उनकी बहुत चिंता करता हूँ। हम में से वो जिनकी बेटियाँ हैं वे इस अनुभव को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। माल्या को कॉलेज छोड़कर आने का अनुभव किसी हार्ट सर्जरी की तरह था। ओबामा ने माल्या के बारे में कहा, मुझे गर्व था कि मुझे उसे कॉलेज छोड़ते हुए उसके सामने रोना नहीं आया, लेकिन वापसी में लौटते समय स्थिति कुछ और थी। ये वो खुशियाँ हैं जो कि हमारे बच्चे हमारे पोते बाद में भी याद करेंगे और इन सब के बारे में बात करेंगे। एक व्यक्ति जो एक समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था लेकिन अंत में वह एक साधारण इंसान ही रह जाता है, अंततः ये क्या मायने रखता है। इस इवेंट में ओबामा के द्वारा दिए गए छोटे से भाषण को काफी सराहा गया। एक लोकल रेडियो चैनल ने भी उनके भाषण के कुछ अंश को प्रसारित किया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।